अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, सवाल की तरफ आते हैं। हम क्वेश्चन देखिए, फैसल लिमिटेड बैलेंस शीट आर ऑन December 31, 1991 and 1990 आर गिवन। ये दोनों ईयर की बैलेंस शीट आपके पास, इसके अंदर कैश है, रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, प्लांट है। उसके बाद इक्विटी सेक्शन में, लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल है, बॉन्ड्स पेबल है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है। ठीक है, ये दोनों चीज आपके पास मौजूद है सवाल की। और कह रहा है कैश डिविडेंड 8,000 है, स्टॉक डिविडेंड 20,000 बट डिक्लेयर इन 1991। ड्यूरिंग 1991 1,500 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच आर सोल्ड। अच्छा भाई, अब कंटिन्यू करते हैं सवाल को, हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं आप? नेट इनकम निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या निकालता है? सबसे पहले नेट इनकम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना भाई, तो पहले हम आएंगे नेट इनकम की तरफ, नेट इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ओके भाई, तो उसमें लिखते हैं पहले रिटेन अर्निंग एट एंड और लेस करते हैं रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट। तो आपके पास 4,000 माइनस में आया, वैल्यू का लिखी हुई है, ये लिखा हुआ रिटेन अर्निंग एट एंड 65 और स्टार्ट है 69। तो वैल्यू आई माइनस में, यानी रिटेन अर्निंग की वजह से आपका पैसा पहले ज्यादा था, अब कम है। इसमें ऐड करेंगे कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। कितना कैश डिविडेंड था और कितना स्टॉक डिविडेंड था? 8,000 एंड 20,000। ये दोनों आपके पास सवाल में गिवन थे, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, 8,000 और 20,000 दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा आपके पास 8,000 कैश डिविडेंड, ये रहा आपके पास स्टॉक डिविडेंड 20,000। ये दोनों आपने क्या करे, ऐड करके क्या आ गई? नेट इनकम 24,000। ठीक है, अब सवाल की सेकेंड रिक्वायरमेंट पे आते हैं। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। क्या बनाएंगे आप? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले इसके अंदर ये जो नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 24,000, ये कॉपी किया। इसमें ऐड होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे बैड डेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन ऑन पेटेंट्स हो गया, इस तरह की चीज आपके यहाँ पे ऐड हो जाती है। सवाल में देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000 था अलाउंस, अब कितना हो गया? 28। तो आपका डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है 8,000 से, यहां लिख दिया 8,000 आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट। दोनों को ऐड कर आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, 32,000 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। फिर आप आते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की तरफ, जिसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, करंट एसेट देखते हैं, कैश को छोड़ के अकाउंट रिसीवेबल पहले था 68, अब कितना है? 75। इसका मतलब है पैसा आपके पास नहीं आया, आपका रिसीवेबल बढ़ रहा है। तो कितने से बढ़ा? 7,000 से आपका रिसीवेबल बढ़ गया, तो पैसा आपको नहीं मिला, तो उसका इंपैक्ट कैश फ्लो पे क्या आया? माइनस, कि पैसा आपको एक तरीके से नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, 24 से 35 हो रही है। इसका मतलब आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदी है, आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। कितना पैसा चला जाएगा? 11,000 रुपए आपके माइनस होंगे, 24 से 35 हो रहा है, तो यहां हमने 11,000 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। फिर आएंगे हम लायबिलिटीज की तरफ, अकाउंट पेबल 40,000 था, कितना हो गया? 52,000। तो पेबल आ गया आपका, बढ़ गया लायबिलिटीज का मतलब पैसे नहीं दिए, 40 से 52 हो रहा है, 12,000 से आपका पेबल बढ़ रहा है, उसका मतलब पैसे नहीं गए। 7 और 11, 18, 18 माइनस 12, माइनस 6,000। ठीक है जी, तो यहाँ अमाउंट आया माइनस 6, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 32, 6 माइनस करा, 26,000 रुपये आपने ड्यूरिंग द पीरियड कैश जनरेट किया बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में आएंगे परचेज ऑफ सेल ऑफ एसेट्स वगैरह देख रहे होते हैं हम इसमें, तो परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट 1,00,000 था,
कितना हो गया 1,60,000। तो भाई प्लांट की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब प्लांट खरीदा तो पैसे जाएंगे 60,000 साहब के। तो ये हमने 60,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो कैश जनरेटेड की जगह कैश यूज आ जाएगा बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितना 60,000। ये पैसा गया है आपका। फिर आते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ। फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा भाई आपके पास, जैसे आपका बॉन्ड से जीरो था, 20,000 का बॉन्ड से बिल बढ़ गया, मतलब पैसा आया आपके पास, पहले जीरो था, आपने कर्जा बढ़ाया पैसा और लिया, तो बॉन्ड्स बिल आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से। और अब इन फाइनेंसिंग में क्या आते हैं, शेयर इशू करे, डिविडेंड्स वगैरह आ गए, इंटरेस्ट वगैरह आ गए, वो यहाँ पर आ रहा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो अब शेयर देखते हैं आप, यहाँ शेयर था 1,00,000, अब कितना हो रहा है, 35,000 हो रहा है। बाजाहिर दिखने में तो 35,000 से शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, लेकिन जब भी आप शेयर देखेंगे तो आपको स्टॉक डिविडेंड भी देखना होता है। तो भाई यहां दिख रहा है 35,000 से आपका शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, लेकिन हम लेजर बनाते हैं, शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000 और एंडिंग है 35,000, सही है। और शेयर कितने इशू करे डिविडेंड की वजह से, 20,000 के आपने शेयर क्या नाम है डिविडेंड की वजह से शेयर इशू करे। कैश पे कितने शेयर इशू हुए, इसका मतलब है 15,000 कैश पे इशू हुए। कैसे, 1,00,000 ओपनिंग था, 20,000 के डिविडेंड के बदले शेयर इशू करे, टोटल 1,20,000 तो ओपनिंग हो गया। और अब एंडिंग है 35,000, कितना बढ़ रहा है, 15,000 से आपका शेयर कैपिटल की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है शेयर कैप इशूड ऑफ शेयर्स की वजह से 15,000 से आपका शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चीज डिविडेंड वगैरह कोई चीज है, तो यहाँ लिखा हुआ है कैश डिविडेंड है 8,000, कितना है कैश डिविडेंड 8,000, यहाँ पर आ जाएगा आपका कैश डिविडेंड, पे किया तो 8,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, हमने डिविडेंड यहाँ से। अच्छा जी, तो हमारा 15,000 से हमने बताया शेयर कैपिटल बढ़ा था, और उसके बाद 8,000 का हमने डिविडेंड दिया था, कहाँ लिखा था डिविडेंड, ये लिखा हुआ आपने 8,000 से कैश डिविडेंड दिया, सही, ये भी आ जाएगा उसमें, ये रहा आपका कैश डिविडेंड 8,000, सही, डिविडेंड के लिए पैसे दिए तो ये माइनस होगा, 20,15 प्लस करे 35 माइनस 8 कितना देगा 27। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से कैश आपका जनरेट हो रहा है, यानी कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग में 26,000 से बढ़ा, 60,000 से माइनस हुआ, 27 से बढ़ा, तो डिक्रीज इन नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड आ रहा है 7,000, यानी माइनस में आ रहा है। इसमें ऐड करेंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस तो क्या आ जाएगा, एंडिंग बैलेंस। ओपनिंग कितना भाई सवाल में, देखो ओपनिंग है आपके पास 37,000 और एंडिंग है 30,000, 37 ओपनिंग ऐड करा, एंडिंग आ गया 30,000, ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आ गया ये वाला, ओके भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कंपनी का नेम है एवरग्रीन, यहाँ बस क्वेश्चन है इसका, द फॉलोइंग इज द कंपैरेटिव लिस्ट ऑफ बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एवरग्रीन लिमिटेड एज ऑन December 31, 1993। डेबिट बैलेंस यानी कि एसेट साइड, कैश है, रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज मशीनरी, एंडिंग और ये ओपनिंग है यानी 92 की और 93 की। उसी तरीके से इक्विटी सेक्शन है जो क्रेडिट साइड लिखा है उन्होंने, अलाउंस फॉर बैड डेट और अलाउंस फॉर डेबिट जो कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं, अकाउंट पेबल, बॉन्ड्स पेबल, कॉमन स्टॉक मतलब शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, सारे बैलेंसेस हैं। कह रहा फॉर द ईयर 1993 इनकम ऑफ द कंपनी वाज 22,400, यानी कंपनी को प्रॉफिट बताया, एंड इट हैड डिक्लेयर कैश डिविडेंड ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, क्या बनाए, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ओके जी वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। तो भाई पहले पूरी पूरी बैलेंस शीट जो एज इट इज कॉपी करी, कैश रिसीवेबल सॉरी वर्किंग कैपिटल की चीजें कॉपी करी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ठीक है ना, सारे करंट एसेट्स जो एंडिंग लिखे हुए 6,900, 8,300, 36,000 तीनों कॉपी करे, और वहां 9,700, 12,700 और 40,000 ये दोनों कॉपी करे।
फिर इसमें से लेस करेंगे लाइबिलिटी और कॉन्ट्रा एसेट्स यानी बैड डेट्स और पेबल्स। डेप्रिसिएशन क्यों फिक्स एसेट्स का पार्ट होता है इसलिए इसको लेस नहीं किया जाएगा। 350 16,000 1,200 और 20,800 ये दोनों यहाँ माइनस हुए तो बैलेंस आया आपके पास 40,400 34,850। तो 40,400 आपने दोनों तरफ लिखा ठीक है जी, और इसमें से 34,850 माइनस किया कितना आ गया 5,550 आ गया। कितना आ गया 5,550 आया डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्या आपके पास 40 से 34 हो रहा है, वर्किंग कैपिटल आपका कम हो रहा है। अच्छा जी अब यहां भी देखते हैं इसको, कैश था 9,700 अब है 6,900, 2,800 से कैश डिक्रीज हुआ। 12,700 रिसीवेबल था 8,300 हो रहा है, रिसीवेबल 4,400 से कम हुआ। मर्चेंडाइज 40 से 36 हो रही है 4,000 से कम हो रही है। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स 1,200 था 350 हो गया, बैड डेट्स आपका 850 से कम हो रहा है ठीक है। अच्छा पेबल 20 था 16 हो रहा है ठीक है, पेबल आपका 4,800 से कम हो गया। प्लस माइनस किया 5,550 आया, यहाँ भी लिखा इधर लिखा, और जैसे बैलेंस सीधी आता है वैसे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का बैलेंस आया 5,550। अब बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि दूसरी रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कि कैश फ्लो का ही पार्ट होती है। तो पहले आपको सवाल में नेट प्रॉफिट गिवन है डायरेक्ट, कितना गिवन है 22,400, ये आपने एज ए डिस्कॉपी किया 22,400। ऐड करते हैं इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी कि डेप्रिसिएशन बैड डेट्स अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन के बारे में अलाउंसेस गिवन है आपके पास 16 और अब हो रहा है 24, बढ़ रहा है 4,050 से। तो डेप्रिसिएशन आपने 4,050 से, सॉरी 16-24 हो रहा है 8,050 ऐड करा, 16 था 24 हो गया 8,000 का डिफरेंस है। तो 8,050 से आपका डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया। हमने यहाँ कॉपी किया दोनों को ऐड किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 30,450। फिर वर्किंग कैपिटल की चीजों पे आते हैं, आपका रिसीवेबल 12,000 से 8,000 हो रहा है। मर्चेंडाइज कैश नहीं लेते यहाँ पे हम, मर्चेंडाइज 40 से 36 हो रही है, ये दोनों चीजें कम हो रही हैं आपकी, ये 3,550 से कम हुआ, ये 4,000 से कम हुआ ठीक है ना। तो जब इन्वेंट्री कम होगी यानी बिक गई तो पैसा आएगा सही है, रिसीवेबल कम हो गया मतलब पैसा मिल गया, ऐसा दोनों सूरतों में आ रहा है आपके पास। उसके बाद आते हैं आप करंट लायबिलिटी की तरफ, अकाउंट पेबल 20 से 16 हो रहा है मतलब पैसा आपने दे दिए 4,000 समथिंग आपने दे दिए, 4,800 पैसे गए आपके पास से। प्लस माइनस करा 2,750 आपका यहाँ पे अमाउंट बना, 30,000 में 2,750 प्लस किया तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 33,200। फिर आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो देखते हैं सेल और परचेज ऑफ एसेट्स देखते हैं। मशीनरी 60 से 80 हो रही है, मशीनरी बढ़ रही है, 20,000 से आपने खरीदी मशीनरी तो मशीनरी क्या हो रही है 20,000 से आपने परचेज करी तो पैसा 20,000 से चला गया तो 20,000 माइनस हो जाएंगे, या लिखेंगे नेट कैश यूज बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ, जैसे बॉन्ड्स है, शेयर्स है, डिविडेंड्स है, इंटरेस्ट है, सब पेमेंट की एंट्री जरा करती है। तो बॉन्ड्स पे आते हैं, 20,000 था अब जीरो हो गया मतलब बॉन्ड्स की पेमेंट कर दी, 20,000 देने थे और अब कुछ नहीं देना मतलब सारे पैसे दे दिए तो 20,000 का बॉन्ड्स बिल माइनस हो जाएगा। शेयर्स पे आते हैं, 56 स्टॉक था 80,000 हो रहा है और सवाल में कहीं स्टॉक डिविडेंड भी गिवन नहीं है तो कितने से बढ़ रहा है 24,000 से आपका शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ा पैसे आए 24,000 सही है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, कैश डिविडेंड कितना पे किया आपने, डिक्लेयर कैश डिविडेंड 20,000 रुपये का डिविडेंड पे किया आपने, पैसे गए 20,000 से तो आपने यहाँ 20,000 से माइनस कर दिया, माइनस 20 प्लस 24 माइनस 20 कितना आया माइनस 16,000 नेट कैश यूज बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 33,000 कैश जनरेटेड है, यहाँ पैसा गया 20 से, यहाँ गया 16 से तो डिक्रीज इन नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड आ जाएगा सही है। इसमें कैश आपका गया इस साल माइनस हुआ, ऐड करेंगे कैश एट स्टार्ट, कितना है कैश एट स्टार्ट
बिगनिंग आपके पास है 9,700, एंडिंग आ जाएगी 6,900, 9,700 ऐड किया, 6,900 कैश का एंडिंग बैलेंस आ गया। ठीक है बच्चों, सर यहाँ से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।